हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं गेहूं की खेती। ठीक है, इससे पहले हमने बुवाई के जो मेथड होते हैं उनके बारे में भी बात की, बुवाई का समय क्या होता है इसके बारे में पूरी बात हो चुकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा खाद एवं उर्वरक। ठीक है, अब हम इसमें देख लेंगे खाद और उर्वरक में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे या आपसे वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात सबसे पहले उर्वरक की करें तो उर्वरक में आपको पता है NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। ठीक है, अब इनकी मात्रा हम गेहूं की बुवाई करेंगे और गेहूं की फसल को कितना देना पड़ेगा उसके बारे में बात करें तो आपको पता है 120 60 40। तो 120 नाइट्रोजन होता है और 60 फास्फोरस होता है, 40 क्या होता है आपका पोटेशियम होता है। ठीक है, अब हमको अगर हम देना है तो कैसे देंगे तो हम देख लेते हैं। बुवाई के समय हम क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन होगा, ठीक है, इसकी हमको आधी मात्रा देनी होती है। आधी मतलब आप समझ गए, इसका आधा देना होगा, 120 का आधा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन जो फास्फोरस और पोटेशियम होगा इसकी पूरी मात्रा दी जाती है बुवाई के समय ही, पूरी मात्रा देंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। लेकिन मैंने आधी मात्रा हमने नाइट्रोजन की बुवाई के समय तो दे दी, लेकिन जो आधी मात्रा बची है ये कब हम देंगे, तो ये दोस्तों देंगे हम पहली सिंचाई पे। कब देंगे, पहली सिंचाई पे। ठीक है, पहली सिंचाई पे देंगे। और पहली सिंचाई कब की जाती है तो ये 20 से 25 दिन के बाद में की जाती है। ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 दिन बाद की जाएगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। इसके बारे में हम लोग जब इरिगेशन का पार्ट पढ़ेंगे, सिंचाई पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर जैसे कभी भी पूछ लिया जाता है, एक और क्वेश्चन बनेगा जिंक सल्फेट, जिसे हम बोलते हैं ZnSO4 बोला जाता है, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। पूछ लिया जाए कि अगर हम जिंक की कमी आ जाए तब हम इसमें जिंक कितनी देंगे, तो एक बात आप सभी लोगों को पता ही होगी कि 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग क्या करेंगे, जिंक देंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों जो NPK दिया जाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम दिया जाएगा, ये भी केजी प्रति हेक्टेयर में दिया जाएगा। तो इसमें जो होता है उर्वरक जो दिए जाते हैं वो केजी प्रति हेक्टेयर की दर से दिए जाते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात ये हो जाती है, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैव उर्वरक। पूछ लिया जाता है गेहूं की खेती के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक यूज किया जाता है, तो आप सभी लोगों को बता दें एजेप्टोबैक्टर। एजेप्टोबैक्टर का यूज किया जाता है, एक ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है गेहूं की फसल में। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की अपनी बात करें तो खाद की, मतलब जिसे बोलते हैं FYM, इसकी फुल फॉर्म होती है फार्म यार्ड मैन्योर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर अगर हम गेहूं की बुवाई कर रहे हैं, अगर वहां पे खाद यूज की जा रही है तो 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं। ठीक है, एजेप्टोबैक्टर एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है गेहूं की खेती में, और जिंक सल्फेट जो कि जिंक की कमी की पूरी करने के लिए 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर यूज किया जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को आशा करता हूँ क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा खाद और उर्वरक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, यूपी कैडेट या आप BHU ICR की तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या होता है। चलो पढ़ लेते हैं डिटेल से। बात आ गई खाद एवं उर्वरक की। ठीक है, अब खाद और उर्वरक की हम लोग बात भी कर चुके हैं, कब हमको दी जानी चाहिए। जब हम खाद देंगे तो खाद की मात्रा गेहूं की किस्म पर निर्भर करती है, वो कौन सी किस्म है उस पर निर्भर करेगी। साथ ही साथ क्या होगी कि सिंचाई की सुविधा, भाई क्या वहाँ पे सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है या नहीं है, इस पर भी डिपेंड करेगी बात। फिर उसके बाद में बोने की विधि, आप कौन सी बोने की विधि का प्रयोग कर रहे हैं, छिटकवा विधि है ना, या आप ड्रिबलिंग का यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये होगी कि खाद की किस्म, भाई खाद की भी तो किस्म होती, कौन सी आप खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो वो किस्म हो जाएगी। और भूमि की किस्म पर भी निर्भर करता है, भूमि आपकी कैसी है, अम्लीय है या क्षारीय है, उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जिन पे ये निर्भर किया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, खाद की मात्रा सदैव मृदा परीक्षण कराकर ही निश्चित करानी चाहिए। देखो, अब अगर हम मृदा परीक्षण की बात करें तो हमारे खेत में किस
फर्टिलाइजर की कमी है, कौन से फर्टिलाइजर की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम की, इसमें से किसकी कमी है, तो उसका पता चल जाता है और हम खेत में हम उसी चीज की पूर्ति कर देंगे। तो इसी को बोला जाता है मृदा परीक्षण कराकर ही हम अपने खेत में बुवाई करनी चाहिए। हम लोगों ने जैसे बात कर ली है, ठीक है, जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे उनके बारे में डिस्कस हो गया, लेकिन ये आपकी किताब का डाटा है, जो आपकी भारत भारती प्रकाशन की बुक है उसका डाटा है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हम इसमें बात करेंगे जातियों की, ठीक है, और इसमें पोषक तत्वों की भी बात की जाएगी, साथ ही साथ ये है सिंचित क्षेत्रों के लिए, मतलब जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं अवेलेबल हैं, जिसको हम बोलते हैं इरिगेटेड एरिया। तो इसमें अगर हम देसी उन्नतशील जातियों की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही जाति है K78। अगर इसकी बात करें तो हम इसमें देंगे नाइट्रोजन 60 kg प्रति हेक्टेयर देंगे और फॉस्फोरस इसमें 30 kg प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा, पोटास इसमें 30 kg प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन्नत बोनी जातियाँ, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, मैंने इसके बारे में अभी बात की थी, ये इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए रहेगा। इसमें दोस्तों जो नाइट्रोजन होगा वो दिया जाएगा 120 kg प्रति हेक्टेयर और जो फास्फोरस होगा 60 kg प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा, पोटास 40 kg प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। ओके, ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दलहनी फसल के बाद गेहूं उगाने पर 80 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर यूज करना पड़ता है, ठीक है, बात बराबर। फिर बात करते हैं बौनी धान की किस्म के बाद गेहूं लेने पर औसत से अधिक नाइट्रोजन 150 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्रयोग करना पड़ता है। अब दोनों चीजों को समझो, जो हमारी दलहनी फसलें होंगी इसमें एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। इसका काम क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होगा इसका काम होता है वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करना, और ये स्थिरीकरण करके दलहनी जो पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन दे देता है। तो इससे क्या हो जाता है, मृदा के अंदर नाइट्रोजन आ जाती है, और हम जैसे ही दलहनी फसलों की कटाई करेंगे उसके बाद में गेहूं की बुवाई करेंगे तो वहां पे नाइट्रोजन पहले से होती है तो कम यूज करनी पड़ती है, तो इसीलिए यहां पे 80 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्रयोग करनी पड़ती है। अब बात करते हैं हम लोग धान वाले में। अब देखो धान की फसल होती है उसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है, ये बात तो आपको पता है, तो इसीलिए अगर धान की खेती अगर हम किए हैं तो और उसमें उसके बाद में गेहूं की खेती करेंगे तो नाइट्रोजन ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, ये रीज़न होता है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम राइजोबियम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस पर एक वीडियो हमारा पहले से भी पड़ा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते रहना, ठीक है, डेली का डेली आपको एक वीडियो मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, और आप डेली का डेली अपनी तैयारी करते रहिए ताकि आपको आने वाले समय में एंट्रेंस एग्जाम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे असिंचित क्षेत्रों के लिए। असिंचित क्षेत्र का मतलब होता है रेनफेड। रेनफेड मतलब होता है कि जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं ना हो और हम वर्षा के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर रहें, तो उसी को बोला जाता है असिंचित क्षेत्रों के लिए। अब अगर हम यहाँ पे जातियों की बात करें तो यहाँ पे देसी में सबसे उन्नतशील जो जाति मानी जाती है वो K78, हमने पहले भी बताया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 30 kg प्रति हेक्टेयर देनी पड़ती है, फास्फोरस 15 kg प्रति हेक्टेयर देना पड़ेगा और पोटास आपको 15 kg प्रति हेक्टेयर देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं उन्नतशील की, तो उन्नतशील ये बोनी जो जातियाँ होती हैं उनके लिए अगर हम असिंचित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 60 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 60 और 30 kg प्रति हेक्टेयर फास्फोरस और 30 kg प्रति हेक्टेयर हमको पोटास देना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ इरिगेटेड और रेनफेड कंडीशन समझ में आई होगी क्या होती है और कौन कौन सी इसमें फसलें और कौन कौन सी इसमें जो जातियाँ हैं उनको हम उगाएंगे और किस तरीके से वहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास हमको देना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों रहेगा जिंक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जस्ता और इसको जडेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो जस्ते की कमी से पौधे की बढ़वार रुक जाती है, ठीक है, निचली 3 से 4 पत्तियां आधार से ऊपर बढ़ता हुआ पीलापन लिए हुए दिखाई देती हैं। अब क्या होता है, आप इस इमेज को देखिएगा, देखो ये जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, पीले पीले कलर का दिख रहा होगा, अब ये क्या होता है, ये जिंक की कमी से होता है, ये बात आपको पता हो गई। अब जब जिंक की कमी से पौधा के अंदर कोई कमी आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बढ़वार रुक जाएगी, अर्थात जब किसी भी चीज़ में, तो कहने का मतलब ये है अगर जिंक की कमी आ जाएगी तो पौधे की बढ़वार रुक जाएगी और जो 3 से 4 जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं वो कैसी हो जाएंगी, वो दोस्तों पीलापन ले लेंगी अर्थात पीली हो जाएंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, देखो
सदैव पूछा जाता है जिंक की कमी से पौधे की कौन सी भाग की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो सदैव याद रखना पौधे के आधार की जो 3 से 4 पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जस्ते की कमी के लक्षण खेत में छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं। कभी भी पूरे खेत में इसकी कमी नहीं पाई जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है। जैसे इस पौधे एक पौधा यहाँ पे है, एक पौधा यहाँ पे है, बीच में भी पौधे हैं, तो इस पौधे में कमी मिलेगी और इस पौधे में दूर दूर मिलती है टुकड़ों में। तीसरा पॉइंट है जस्ते की कमी के लक्षण दिखाई देने पर 5 kg अर्थात किग्रा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का अगर हम फार्मूला की बात करें तो ZnSO4 होता है, याद रखना। ठीक है, जिंक सल्फेट तथा 16 kg यूरिया का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए, तो इससे क्या हो जाएगा, ये रोग समाप्त हो जाएगा। ये जो जिंक की कमी होती है पूरी तरीके से, अगर मान लो यूरिया नहीं अवेलेबल है, यूरिया नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज और यूज कर ली जाती है, चूना। ठीक है, चूना का हम प्रयोग कर लेंगे इसकी जगह पे, कितना कर लेंगे, 2.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम चूना का यूज कर लेंगे। किस कंडीशन में, जब यूरिया हमारे पास नहीं होगी तब। ठीक है, लेकिन जिंक सल्फेट तो डालनी ही पड़ेगी, पता है दोस्तों। ये एक बार उसमें ये दोस्तों जो जिंक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखना, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, जिंक की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण और उसकी भरपाई कैसे की जाती, क्या होता है। और वैसे ही ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जितना भी बताता हूँ वो इम्पॉर्टेंट और आपकी बुक का ही होता है। अब हम बात करेंगे लोहे की अर्थात FE का प्रयोग, ठीक है, और इससे कमी के क्या क्या लक्षण होंगे उसके बारे में अगर हम बात करें, तो सेम लक्षण होते हैं जैसे उसका जिंक के कमी के लक्षण होते हैं। इसमें भी पत्तियाँ का पीलापन हो जाता है। चलो देख लेते हैं क्या क्या होता है इसके प्रयोग से, अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाती है तब इसका प्रयोग करेंगे। तो लोहे की कमी के लक्षण दिखाई देने पर 5 kg ठीक है फेरस का प्रयोग करना चाहिए और 800 लीटर पानी के घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव कर दें। ये दोस्तों यहाँ पे सही कर लेना, ये छिड़काव होगा, ठीक, छिड़काव कर दिया जाता है। 800 लीटर पानी ले लेंगे और 5 kg क्या ले लेंगे हम, फेरस को ले लेंगे और घोल बनाकर अच्छी तरीके से अपने खेत में छिड़काव कर देंगे, तो लोहे की कमी की पूर्ति हो जाएगी। ये पॉइंट है जस्ते या लोहे की कमी के लक्षण पहले छिड़काव में दूर ना होने पर दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए अगर जिंक अर्थात जिंक और दोस्तों लोहे की कमी है, अगर हम उसका छिड़काव किए हैं और वो छिड़काव पूरी तरीके से कारगर हमारी फसल पे नहीं रहा है, तो कितने अंतराल के बाद में हम दूसरी बार छिड़काव करेंगे, तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम दोबारा कर देंगे। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों को, और पढ़ाई कर रहे हो तो दोस्तों पढ़ाई करते रहना है ना। अब हम लोग बात करें खाद एवं उर्वरक प्रयोग करने का समय एवं विधि, क्या विधि होती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांसेस होते हैं। ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो खाद तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है, लेकिन उर्वरक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उर्वरक आज के दौर पे सबसे ज्यादा यूज की जाती है, तो इसलिए हमको उर्वरक के बारे में पता तो होना चाहिए। तो देख लेते हैं, जीवांश खादों की संपूर्ण मात्रा का प्रयोग फसल बुवाई के 1 मास पूर्व अर्थात महीना पूर्व। देखो जैसे हम अपने खेत में गेहूं की बुवाई करना चाहते हैं और वहां पे हमको क्या करना है कि बुवाई करने के लिए खाद का प्रयोग करना है, तो खाद का प्रयोग हम करेंगे 1 माह पहले, ठीक है। और अगर हम खलियों का प्रयोग कर रहे हैं, खलियों का प्रयोग बुवाई के 2-3 सप्ताह पूर्व, मतलब कि 2-3 सप्ताह पूर्व ही हम बुवाई के पहले प्रयोग कर लेंगे खलियों का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि खलियां यूज की जाती हैं, कौन कौन सी खलियां यूज की जाती हैं, बहुत सारी खलियां यूज की जाती हैं, उसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उर्वरकों का प्रयोग हम बुवाई के समय करना अधिक लाभदायक होता है। अगर हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया, अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो बुवाई के समय ही यूज करना लाभदायक माना जाता है। जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे नाइट्रोजन की मात्रा आधी देते हैं, ठीक है, और फास्फोरस और पोटेशियम पूरी मात्रा दे देते हैं बुवाई के समय ही। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों की मात्रा का प्रयोग फसल की बुवाई के समय हल तल विधि से स्थानीय प्रयोग करना अधिक लाभदायक होता है। देखो अब होता क्या है, अगर हम फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग कर रहे हैं तो हम हल तल के नीचे ही यूज करना पड़ता है, जैसे ही कुंड बनता जाए कुंड के नीचे
क्या है ये फास्फोरस और पोटाश वहाँ पे डालना चाहिए। जैसे सीड ड्रिल मशीन होती है, इससे क्या होता है दोस्तों, जो उर्वरक होते हैं वो भी एकदम नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर सीड गिरता है अर्थात बीज गिरता है वहीं पे जाता है। तो कहने का मतलब है जो पोटाश और फास्फोरस होता है इसको एकदम जहाँ पे सीड गिरता है वहीं पे प्रयोग करेंगे, तभी ये लाभदायक माना जाता है। करने को क्या है, मैं ऐसे छिटकवा विधि से भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो उतना लाभदायक नहीं होता है जितना कि कुंड में जहाँ पे बीज गिरता वहां पे होता है। ओके, तो तीसरा और हमारा लास्ट पॉइंट है, बुवाई के समय खाद बीज तीन से पाँच सेंटीमीटर नीचे हुआ 3 से 5 सेंटीमीटर बगल में डालना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि गेहूं के बीज की जो गहराई होती है वो कितनी होती है, कितनी गहराई में हमको बीज बोना चाहिए गेहूं का, तो 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पे हमको बोना चाहिए, इम्पोर्टेंट। ओके, चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम बुवाई के समय खाद का प्रयोग करते हैं तो ये बीज के 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए और 3 से 5 सेंटीमीटर बगल में भी खाद होनी चाहिए। खाद मतलब जिसे हम मैन्योर भी इंग्लिश में बोलते हैं। खाद एवं उर्वरक का हमारा ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की आधी मात्रा का प्रयोग फसल की बुवाई के समय तथा 1/2 भाग का प्रयोग पौधों में क्राउन जड़े बनने के समय पहली सिंचाई पर करना अधिक लाभदायक होता है। चलो इसको समझ लेते हैं। मैंने अभी बात की थी कि हम अगर 120 केजी प्रति हेक्टेयर हम क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन, क्लियर। उसके बाद में मैंने बताया था कि 60 केजी प्रति हेक्टेयर हम लोग क्या देंगे, फास्फोरस। ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ये फास्फोरस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पोटेशियम। 40 केजी प्रति हेक्टेयर देते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। चलो ये बात आपको पता हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन अब हम बुवाई कर रहे हैं, यहाँ पे बुवाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो मात्रा आधी होगी मतलब 60 केजी होगा, बुवाई के समय हम प्रति हेक्टेयर की दर से दे देंगे, बुवाई के समय हम यहाँ पे आधी मात्रा दे दी है। लेकिन ये जो आपका फास्फोरस और पोटास रहेगा अर्थात पोटेशियम रहेगा, इसकी हमको पूरी मात्रा यहाँ पे देनी पड़ती है। तो क्या रेशियो बनेगा, 60:40, मतलब फास्फोरस और पोटेशियम पूरा और नाइट्रोजन जो होगा आधी मात्रा में यहाँ पे दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है, बाकी का यहाँ पे आप समझ लीजिए। अब 60 हमने यहाँ पे आधा जो है, आधा तो हमने बुवाई के समय दे दिया, लेकिन अब इसका बचा हुआ ये 60 केजी प्रति हेक्टेयर हमको देना है, ये कब हम देंगे, तो ये हम देंगे क्राउन रूट जब बन रही होती है, अर्थात हम जब पहली सिंचाई करते हैं, कब करते हैं, 20 से 25 दिन बाद जब हम करेंगे, ठीक है, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, 60 केजी प्रति हेक्टेयर बची हुई नाइट्रोजन हम यहाँ पे दे देंगे। और ये कब की जाती है, 20 से 25 दिन बाद की जाती है, जब CRI स्टेज आ जाती है, मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन। इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।